चशन इश्क में अब तक आपने देखा कैसे हमारी नटखट सी क्यूट ट्विंकल तनेजा अपनी मम्मी द्वारा बुलाए गए लड़के को भगाकर मिस अमृतसर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपनी गाड़ी में निकलती है। तभी उनकी गाड़ी की टक्कर अनीता लूथरा नाम की औरत की गाड़ी से होती है। अनीता और लीला दोनों कट्टर दुश्मन हैं और इसी के चलते अनीता कॉम्पिटिशन में ट्विंकल को हराना चाहती है, लेकिन कॉम्पिटिशन के जज मिका सिंह ट्विंकल को जिता देते हैं। लेकिन तभी कॉम्पिटिशन में एंट्री होती है अनीता लूथरा के बेटे युवराज की, जो ट्विंकल को किडनैप करके ले जाता है। और पता चलता है कि कट्टर दुश्मन लीला और अनीता के बच्चे ट्विंकल और यूवी एक दूसरे से इश्क करते हैं। आइए देखते हैं इश्क और टशन की ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है आज। आज तो मेरी पर्सनल मिस अमृतसर पूरे वर्ल्ड में मिस अमृतसर डिक्लेयर हो गई। क्या जवाब दिए तूने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, अरे छा गई तू। तू था, तूने सब कुछ देखा। ऑफ कोर्स आई वाज देयर। अच्छा चल, थोड़ी और तारीफ करना मेरी, मैं कैसी लग रही थी। हाँ, कॉन्टेस्ट तो मिस अमृतसर का था, बट लग तू एकदम मिस इंडिया रही थी। सब तो सोनी, सारे मुंडे तन्नू ताड़ रहे थे। मन तो कर रहा था सालों के दांत तोड़ दूं। तू जेलस हो गया यूवी? ओ मैं क्यों जेलस होने लगा। अच्छा तो तेनू कोई फर्क नहीं पैंदा अगर मुंडे मेनू ताड़े तो? ओ बिल्कुल नहीं। तो फिर एक गल और सुन ले। दस ना। आज मॉम ना मुझे एक मुंडे से मिलाने के लिए लेके गई थी। हाँ तो उसमें नई क्या बात है, तूने हर बार की तरह मुंडे को भगा दिया होगा। नहीं यूवी, इस बार ना मिशन मुंडा भगाओ फेल हो गया, रिश्ता पक्का हो गया मेरा। तू जोक कर रही है ना? नहीं यार, ना करने गई थी, हाँ सुन के आ रही हूँ यूवी। यूवी धीरे चला, यूवी पागल हो गया क्या? यूवी मैं तो तेरी फिरकी ले रही थी, सिर्फ तुझसे मजाक कर रही थी। यूवी मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ और तुझसे ही शादी करूंगी। यूवी धीरे चला नहीं तो हमारा कीमा बन जाएगा। यूवी धीरे चला, पागल खाई है यूवी। और आज जुरत कैसी हुई मेरी पांची को किडनैप करने की? आज तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। दार्जी दार्जी की हो गया है? ओए लूथराओं ने तो हद ही कर दी दार्जी। ओए लीला का मुझे फोन आया था और कह रही थी साड़ी ट्विंकल को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये घटिया काम वो सनीता लूथरा के अलावा कोई कर नहीं सकता दार्जी। ओ कहाँ छुपी है तू? बारा ओए बारा कहाँ छुपी बैठी है? अब बीच में मत आना वरना पैरों पे सीधा एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल जाएगा। मैं अपनी बाल के कुमार हमारी कुड़ी को किडनैप किया। अरे क्या हो गया? By God, इन 5 रुपए के लोगों के आसपास रहने का ना यही नुकसान। क्या मुसीबत है तुमको? कहाँ छुपा के रखा है तूने ट्विंकल को? बताओ वरना मैं गोली मार दूंगा। अगर ये बात सच होती ना तो आज सच में हम दोनों का कीमा ही बन जाता। तू भी ना एकदम मंकी मैन ही हूँ। 3 साल से हमारा यही पैटर्न चल रहा है ना। मैं तुझे जेलस करने के लिए ऐसे जोक करती रहती तो फिर भी गुस्सा हो जाता है। और जब तू जानती है मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है तो मुझे क्यों जेलस फील करवाती है? क्योंकि जब तू जेलस होता है ना तो बड़ा हॉट लगता है। और ये सारे छोटे छोटे मजाक ही तो हमारी रिलेशनशिप को थ्रिलिंग और एक्साइटिंग बनाते हैं। तभी तो आज भी हमारे रिलेशनशिप में वो पहले वाली स्पार्क है। ए, स्पार्क तो इतने कि कोई अगर तुझे घूर के भी देखेगा ना तो उसकी सर्किट से मैं बत्ती बचा दूंगा। तेरे इसी पैशन पे तो मैं मरती हूँ तुझ पे बार बार। ये जो तेरे मसल्स के नीचे सॉफ्ट सा हार्ट है ना, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। तू कभी मुझे दर्द नहीं देगा, है ना? कमिश्नर साहब प्लीज टेक चार्ज। अनीता लूथरा ने मेरी कुड़ी को किडनैप किया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर पे पुलिस लेके आ गई और मेरे पे इल्जाम लगा रही है। पुलिस को अगर किसी के पीछे लगाना है ना तो अपनी बेटी के पीछे लगा, उसको ढूंढवा। और ये क्या तूने किडनैप लगा रखा? आई डोंट थिंक तेरी बेटी किडनैप हुई है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ भाग गई। अरे किस मिट्टी की बनी है तू? एक माँ होकर दूसरे माँ की बेटी के बारे में इतनी गंदी बातें कर रही है? अरे बेटियां तो सबकी सांझी होती है, घर की मुस्कुराहट होती है, बेटियों के सबब से घर में बरकत होती है। लेकिन ये सारी बातें ना तैनू समझ में नहीं आने वाली। तेरी बेटी नहीं है ना, इसलिए मेरा एक बहुत प्यारा सा बेटा है यूवी, समझी ना? अरे मेरी बेटी तो मेरा गुरूर है, सजा तो तैनू मिल रही है। देख इतने बड़े घर में तू अकेली रहती है, तेरा परिवार भी तेरे साथ नहीं है। नैनू देख मेरा सारा परिवार मेरे नाल एक घर की तरह खड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ये अपने पूरे परिवार का राशन कार्ड लेके तो क्यों आई है यहाँ पे? क्या मैं जानती नहीं हूँ तेरा परिवार कितना कमीना है? शुक्र है कि मेरा मुंह नहीं खुला अभी सबके सामने,
एक तो सबके सामने एक सेकंड में तेरी और तेरे परिवार की इज्जत उतार के रख दूं। ए, परिवार के पस्कार, अपनी हद पार कर रही है। बस ओए बस, ओ इन्नी खप पार रखी है। ओ जब शब्दों की इतनी गोलियां चल रही हैं, तो असली बंदूक चलाने की क्या जरूरत है। अच्छा खासा मैं कार में सो रहा था बच्चों के साथ, और छुट्टी मिली थी इतने दिनों बाद, और आना पड़ा आप लोगों के लिए समझौता करने के लिए। देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ, आके अपने डिफरेंसेस दूर कर लो बस। क्या चिल, देखो मैं बिल्कुल ठीक। मैं इस युवराज के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। चिंकी, हाँ चिंकी, ये पागल ना, मैं कंपटीशन जीती तो मुझे सरप्राइज देने के लिए उठा के ले आई सबके सामने से। ओ जाओ अपने अपने घर में शांति से रहो और झगड़ा नहीं करना, हैं जी? हाँ जी, थैंक यू। नमस्ते जी, मेंटल टॉर्चर। सुन तो पुत्र, क्या जरूरत थी आपको इतना बड़ा तमाशा करने की? और मामू आपको तो माँ का गुस्सा ठंडा करना चाहिए था ना, आप खुद ही गले के सवार हो गए। अगर गोली चल जाती तो? अरे ट्विंकल, मैंने भी तेरे मामू को कितना समझाया पर सुनता ही नहीं है, बंदूक लेकर निकल पड़ा मर्डर करने, और मुझे भी घसीट के ले गया। ओ दारजी, अरे मिट्टी पाओ इन सारी बातों को। वाहे गुरु जी दा शुक्र है कि साड़ी ट्विंकल ठीक ठाक घर वापस आ गई, और की चाहिए। लेकिन पुत्र मैं तुझसे नाराज हूँ, आज जो तूने किया ना दोबारा ऐसे कभी मत करना। अच्छा, मैंने और यूवी ने हमारी मम्मियों को लड़ते हुए देख लिया था, और चिंकी के साथ ये प्लान बना लिया मैं, वरना अगर दोनों ने मुझे और यूवी को साथ देख लिया होता ना तो पंगा पे जाना था। पता नहीं वहाँ अनीता आंटी का गुस्से में क्या हाल हो रहा हो। और अगर करना भी है ना तो मैंने बता के करना, तू इसे किडनैप करने वाली है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ सॉरी आंटी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल। अरे गल दस मैनू, तू तो 5 दिनों बाद आने वाली थी ना दिल्ली से, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ जी आंटी, 5 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन सब नाचो, मैं तो तब नाचूंगी जब मेरी ट्विंकल की शादी फिक्स होगी। एक मिनट, बच्ची के पुत्र, हमारे यहाँ ना किसी का नया नया रिश्ता फिक्स हो, अगर उसे छुआरा खिलाया जाए तो अच्छा शगुन माना जाता है। ले पुत्र खा। कहते हैं जिस लड़की की शादी होने वाली है उस लड़की का चका हुआ चुवारा कुआरी लड़की को खिला दो तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। पता नहीं ये तनेजा नाम की परेशानी मेरी जिंदगी से कब जाएगी। उसका भाई गोली मार देता तो कितना अच्छा होता, जेल में सड़ता सारी उम्र, सारा का सारा परिवार ना बायकॉट तबाह हो जाता, रुल जाता, दिमाग खराब। मैम ये फोन का नवा मॉडल आया है, जस्ट 1 घंटा पहले मेरी दुकान पे आया और सीधा तोड़े वास्ते लेके आया हूँ। दिखाओ। बेवकूफ समझा हुआ है जो मेरे लिए ये लाया हो? कोई भी नई चीज
लीला तनेजा के हाथ में लगने से पहले मेरे हाथ में लगनी चाहिए, मैंने कहा था तुमसे। सॉरी मैम, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना तो तुम बचोगे और ना तुम्हारा शोरूम। यू गेट दैट? अब ये सब कुछ लो और यहाँ से निकलो। गेट आउट। मॉम, बेचारे का फिर से नुकसान कर दिया आपने। यूवी, जब गलती उसकी थी तो भुगतने का भी वही। मॉम, आपसे डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके। यूवी, चला जा, रोटी खा ले। ये मेरे अमृतसर के चक्कर में सुबह से ढंग से कुछ नहीं खाया। अच्छे से ले। बस बस एक ही रोटी। देख ट्विंकल, आजकल मैं देख रही हूँ तू ठीक से नहीं खा रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्यों लौट ले रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितनी भूख लगती है उतना ही खाती हूँ। वैसे भी आजकल मुझे कम भूख लगती है। That's it. कम भूख लगती है? क्या हुआ? सच सच बता, तैनु किसी लड़के के नाल प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? क्या बोल रहे हो आप प्यार व्यार? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। प्लीज ले, सारे लक्षण तो ऐसे ही है तेरे। भूख नहीं लगती है, अकेले में या तो अपने आप से या फिर उस ब्रेसलेट से बातें करती रहती है। और इतने सारे रिश्ते लेकर आए तेरे लिए, एक एक करके सब लड़कों को भगा दिया तूने। जब इस उम्र में जब लड़कियों के ऐसे लक्षण होते हैं ना, तो पक्का साइन है कि इश्क का कीड़ा काट गया। तू सच सच बता मैनू, तेनु किसी से इश्क विश्क तो नहीं हो गया? क्या फालतू की बातें करते रहते हो मॉम? हाँ, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ यार। मैं अब मिस अमृतसर हूँ, मुझे अपने फिगर का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। और आप भी क्या दूसरे ही एंगल पे पहुँच जाते हो? और ये प्यार व्यार, छी, उक। ना तो मेरे पास प्यार के लिए टाइम है और ना ही मेरा कोई अभी प्लान है मॉम। तू सही कह रही है, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो सबसे पहले तू मैनू बताती, है कि नहीं? मैंने अपनी ट्विंकल पर पूरा भरोसा है, इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपाती, है ना पुत्र? नहीं। चल अब जल्दी से ना ये खाना खत्म कर दे। पहले आप मेरे हाथ से एक बाइट। अरे अरे अरे, मैनू लाइटिंग की मशीन में। अब चल तू खा। चल मैं खा लूंगी और मुझे भूख लगी, मैं सब ले लूंगी। नहीं अब जाओ, पक्का खाएगी। देखा पक्का, बाय। कितनी हिचाई करोगे आप मेरी? कितना टेस्ट लोगे आप मेरी पेशेंस का? और मैं अपनी माँ से कुछ छुपाना भी नहीं चाहती हूँ, पर मुझे पता है मेरी मॉम को जब सच पता चलेगा ना तो उनको कितनी चोट पहुंचेगी। बट मैं क्या करूँ बाबा जी, मैं जितना प्यार यूवी से करती हूँ उतना ही प्यार अपनी माँ से और अपने परिवार से भी तो करती हूँ ना। मैं अपने परिवार को और अपनी माँ को हर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए पनिशमेंट डिसाइड करी है। बाबा जी आपको माई डील याद है ना? याद है ना कि मैं जब भी अपनी मॉम से और अपने परिवार से कोई भी झूठ बोलूंगी, उनसे कुछ भी छुपाऊंगी, मैं एक रोटी कम खाऊंगी। और अब देखा, देखा आपने मेरे झूठ कितने बढ़ते जा रहे कि मैं सिर्फ एक रोटी खा सकती। हमारे खानदान की दुश्मनी प्लीज खत्म कर दो ना बाबा जी, प्लीज खत्म कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हमारे प्यार में थोड़ी सी भी सच्चाई तो हमें प्लीज इतनी हिम्मत दो कि हम जाके सबको सच सच बता सके। बाबा जी कुछ तो कर दो यार, कोई तो आपके पास सलूशन होगा। आई एम एट होम, कम नाउ। उफ़, अब मुझे यूवी से मिलने जाना पड़ेगा, वो भी सबसे छुप छुप के। बाबा जी आज तो ये एक रोटी भी गई, सिर्फ सब्जी से ही काम चलाना पड़ेगा। माँ आप क्या हो गया? इधर हूँ। ये ट्विंकल का सैश तेरे पास कहाँ से आया? अपना रॉकी। हाँ रॉकी के लिए बनवाया है, स्पेशली ऑर्डर करके। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको पता है माँ? कहाँ कहाँ गया मैं? कितना अच्छा जोक है मार्क, रॉकी। मैं बड़ा चंगा कितना तो रॉकी के लिए ये सहर। तुझे भी कहाँ हजम हुआ होगा उसका जीतना, है ना? नहीं। बढ़िया ही मिस अमृतसर बनने।
हमारे लिए तो हमारा रॉकी है मिस अमृतसर। हाँ ये सही कहा आपने, वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, एक ट्विंकल तनेजा है और एक अपना प्यारा सर रॉकी, दोनों ही कान भरते रहते हैं, एक रॉकी है जो बाऊ बाऊ करते रहता है और एक वो ट्विंकल तनेजा जो पक 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 पक, कितना इरिटेटिंग है मॉम। लेकिन ये ना कर पुत्र, कहां तू रॉकी के साथ उस ट्विंकल को कंपेयर कर रहा है, मेरे बच्चे की इंसल्ट कर रहा है तू। एनीवेज तू अब आराम कर, चल। चल फटाफट बाहर आ जा, तेरी होने वाली सांस तो गई। ट्विंकल की भौभौ और रॉकी की भौभौ, हाँ बड़े चीप थ्रिल ले रहे तू लाइफ में, अपने रॉकी को मेरा स्लैश बना के। अरे बाबा बोलना पड़ा, क्या करता वरना सच बाहर आ जाता ना अपना, और फिर तेरी माँ और मेरी माँ मिलके एक दूसरे की मुआ कर देते, तू जानती है यार, तो फिर क्यों बोल रहे थे? तूने जो किया सो किया, उसकी सजा ये क्यों भुगते? ट्विंकल तू क्या कर रही है? ट्विंकल तूने आज फिर रोटी नहीं खाई और इसे खिला रही, खा खा के सांड होते जा रहे है, क्या जरूरत है ये सब तुझे करने की बेबी? तू जानता है क्या जरूरत? Listen, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए अपनी माँ से झूठ बोलती है, इन सब की सजा खुद को देती है भूखी रह के। तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? ये मेरे और बाबा जी के बीच की डील है। But Twinkle मुझे बुरा लगता है कि तू मेरी वजह से भूखा रहती है। You mean it's not about you, it's about my mom। बात उनके भरोसे की, and I know तुझे ये सब stupid लगता है, but मुझे लगता है मैं जब भी अपने मॉम से झूठ बोलती हूँ ना, मुझे उसकी पनिशमेंट कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। And I know इससे कुछ बदलेगा भी नहीं, बट कुछ हद तक ना मेरे अंदर का गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और एक उम्मीद रहती है कि शायद वाइगुरु जी ये सब कुछ देख रहे हैं और एक ना एक दिन इसका सलूशन निकालेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। वैसे I hate you। Why? क्यों? Because I love you। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैं तुझसे प्यार नहीं करना चाहती, बट फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाती। और वो क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत स्पेशल फील कराते, जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं होता वो लड़का मेरे लिए सारी रात बालकनी के नीचे खड़ा हो सकता है, वो लड़का मेरे लिए अपने खानदानी दुश्मनी से भी लड़ सकता है। ऐसा लगता है जैसे तू मेरा हमेशा ख्याल रखेगा, जैसे एक फादर अपनी डॉटर का रखता है, वैसी वाली सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। हाँ तेरे मामा भी तो हैं, तुझे प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए, तुझे प्रोटेक्ट नहीं करते वो? करते हैं यार, लेकिन वो विश्वास कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई परेशानी मुझे छू भी नहीं सकती, और अगर कुछ हुआ ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसी फीलिंग ना या तो पापा के साथ आती थी या फिर अब तेरे साथ आती है। अच्छा चलो तेरी बारी, तेरे पीछे तो इतनी लड़कियां पड़ी थी। हाँ सो तो है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया? रीजन ये है कि तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, और तेरी वजह से मैं अपनी सारी खानदानी दुश्मनी बुला के तुझसे प्यार कर बैठा। बिल्कुल ऐसे ऐसा पीछे पड़ा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं है। कितना प्रेम किया मैंने बाबा जी से, कितने व्रत भी रखे, लेकिन बाबा जी ने मेरी ये विश तो पूरी नहीं करी। बट बाबा जी मेरी एटलीस्ट ये सेकंड विश पूरी कर दो प्लीज। कौन सी विश? यही कि तेरी माँ और मेरी माँ के बीच दुश्मनी खत्म हो जाए और वो हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। बस इतनी सी तमन्ना है, तेरे रंग में ही रंग जाऊं, रहूं ना मैं जरा मुझ में तेरी हो के ही रह जाऊं। यूवी अब साइन आउट हो गया है, ठीक है? एक घंटे से मैं तेरा यहाँ वेट कर रही हूँ, तब तो तू आया नहीं। अभी मेरी मॉम ना मुझे ढूंढते यहाँ आ जाएगी और तेरी मॉम को किडनैपिंग के ब्लेम में अंदर करवा देगी। चल अच्छा, हाँ, रुक रुक रुक, तुझे मेरे साथ बाबा जी से विश करनी है। हाथ जोड़। बाबा जी प्लीज हमारी प्रेयर सुन लो और ना हमारी मॉम्स को रेडी करा दो हमारे रिश्ते के लिए प्लीज। अब वहां कहाँ जा रही है? दरवाजा उधर, बालकनी उधर। मुझे पता है, इतने टाइम से मैं इसी बालकनी से तो चोरों की तरह अप डाउन कर रही हूँ। और अब क्या हो रहा है? बट आज ट्विंकल तनेजा मेन गेट से जाएगी, वो भी तेरी माँ के सामने। तुझे क्या लगता है तू ही सिर्फ मुझे मेरी मॉम के सामने बाइक पे से उठा के ला सकता है? आज मैं भी ना तेरी मॉम के सामने मेन गेट से जाके दिखाऊंगी बेटा, तू देख। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया? कैसे करेगी ये सब? बताती हूँ। वाह
युवराज बाबा आपका बादाम मिल्क। यूवी रुक, तेरे नाल एक गल करनी है।